आज हम जानने वाले हैं एलर्जीज की वजह से जिनको कोल्ड और कफ बार बार होता है, हर वक्त नाक का बहना, नाक का बंद रहना, चेस्ट में कंजेशन होना। मेडिसिंस खाते रहते हैं, ठीक रहते हैं, जब मेडिसिन बंद कर देते हैं प्रॉब्लम वापस वैसे ही आती है। सो क्या क्या वो चीज़ें हैं योग में जो रोज़ प्रैक्टिस करने से इस एलर्जीज वाले कोल्ड कफ से हम बच सकते हैं? मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान थोड़े से आसन, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, बॉडी में से सारे टॉक्सिन, सारे एलर्जेंस हम रोज़ कर रोज़ दूर भगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। आपके जो थंब का बेस है उसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से, कभी भी आप फ्री हो इस तरीके से आपने मसाज करना है, 2 मिनट 3 मिनट आप कीजिए इसको एक हाथ में होने के बाद, फिर उसके बाद आप दूसरे हाथ पे कीजिए। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो साइनसाइटिस, एलर्जीज, कोल्ड कफ को काफ़ी हद तक दूर करता है। दूसरा मैं एक आपको बताने वाली हूँ एक आसन, पादाधीरासन, जो हम कभी भी कर सकते हैं। इससे बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ेगा। फायर एलिमेंट जैसे ही बढ़ेगा, म्यूकस या फिर कफ जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा। उसको करने के लिए क्या करना है, आपने आपके अंडर आर्म्स के नीचे ये 4 फिंगर्स को इस तरीके से दबाना है। आपका अंगूठा बाहर रहेगा, आर्म्स को ऐसे प्रेस कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस तरीके से इस आसन में 2 से 3 मिनट रहिए। थोड़ी ही देर में आपको खुद ही अपने आप में थोड़ी हीट बॉडी में फील होनी शुरू हो जाती है। ये इतना आसान आसन है, इवन बच्चे भी इस आसन को कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैं आपको बताने वाली हूँ, स्पॉट जॉगिंग, माने एक ही जगह पे खड़े होके आप अपने टोज पे अगर 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक आप जॉगिंग करते हैं, आपको सीरियसली एलर्जीज़ के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप बाहर भी जॉगिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर पे भी अगर जॉगिंग करेंगे, स्पॉट जॉगिंग करने से टोज के ऊपर, साथ ही साथ आपने अपने सांसों पे ज़रूर ध्यान देना है। इससे भी हमारी जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ही एलर्जीज़ के हम शिकार होते हैं। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हम क्या करते हैं, ज़ोर से सांस लेते हैं, ज़ोर से सांस छोड़ते हैं। तो इसको आपने सुबह करना है या फिर शाम को भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप किसी भी आसन में कमर और गर्दन को सीधे करके बैठिए और मुट्ठी को कुछ थंब अंदर रखते हुए इस तरीके से बंद करना है। ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें जोर जोर से सांस लेना है, जोर से सांस छोड़ना है। मैं अब आपको करके बताऊंगी। इसको 20 टाइम्स आप कीजिएगा। ब्रीद इन कर रहे हैं, फिंगर्स खोल रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, आपकी मुट्ठी को बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप में इस एक्सरसाइज को आर्म्स ऊपर किया, ब्रीद इन, आर्म्स नीचे किया, मुट्ठी बना के ब्रीद आउट। इसको भी आपने 20 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको मैं क्रिया बताऊंगी, विरेचक क्रिया, जो भी बॉडी में से सारे के सारे एलर्जेंस को बाहर निकाल देगी। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से वापस थंब अंदर रख के मुट्ठी बनाइए और आपकी कमर को सीधा रखते हुए सिर्फ आपने सांसों को छोड़ना है इस तरीके से। जितना भी कोई टॉक्सिन, म्यूकस आपके यहाँ पे अगर इकट्ठा हुआ था, इन सारी पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो साथ ही साथ बाहर आ जाएगा। डोंट फील शाई इन सब एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने पास हैंकी रखिए। जितना भी साइनसाइटिस में हमारा म्यूकस इकट्ठा होता है, इस एक्सरसाइज से वो सारा का सारा डेली का डेली बाहर आना आएगा, हेडेक नहीं होगा और इसकी प्रोडक्शन भी, जो म्यूकस ज़्यादा बन रहा है वो बंद हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए और एलर्जी से छुटकारा पाइए। थैंक यू।